अगर आपने भी कभी विमल या फिर मिराज खाए हैं तो आज हम पता करेंगे कि ये तम्बाकू कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसके लिए मैं इस विमल और मिराज को इन अंडों के अंदर डाल करके पूरे 7 दिनों के लिए छोड़ दूंगा और 7 दिनों बाद देखेंगे कि इन अंडों का क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं इस विमल को बाहर निकाल करके इसको अच्छे से पीस लेता हूँ और अब एक अंडा लेकर के इसके ऊपर एक छोटा सा छेद कर दूंगा जिसकी मदद से हम इसके अंदर विमल डालेंगे और अब इसमें मैं पानी डाल करके कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा जिससे हमारा विमल वाला लिक्विड तैयार हो जाएगा और इसको अब मैं इस सिरिंज में भर करके इस अंडे के अंदर इंजेक्ट कर दूंगा और अभी संडे के छेद को टेप लगा करके वापस अच्छे से चिपका दूंगा और इसी तरह से मैं मिराज का भी लिक्विड बना करके इस अंडे के अंदर डाल दूंगा। मैंने इन दोनों अंडों के अंदर लिक्विड के साथ साथ विमल और मिराज के कुछ दाने भी डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने एक अंडा और लिया है जिस पर छेद करके इसके वापिस से टेप चिपका दिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है। अब मैं इन सारे अंडों को एक सेफ जगह में रख देता हूँ 5 से 7 दिन बाद।